हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी जो भी प्रिपरेशंस वगैरह चलती होगी फॉर योर नीट यूजी 2021 एग्जामिनेशंस वो काफ़ी बढ़िया चलती होगी। सो यार, दिस टॉपिक पे मैं आज बात करने वाला हूँ। दिस टॉपिक इज सिंस कोई नया टॉपिक नहीं है, बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो नीट एस्पायरेंट्स हैं बेसिकली, उसमें से काफ़ी लोग मुझे ये बेसिकली ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है कि भैया मैं केमिस्ट्री में कैसे अच्छा स्कोर करूँ। तो मैं आपको ये बता दूं, सिंस जब मैंने नीट एग्ज़ाम दिया था तो मेरे पहले अटेम्प्ट में ही मेरे 160 प्लस थे और सेकंड में मेरे अबाउट नियर अबाउट 175 के अराउंड थे। तो जो मेरा स्ट्रेटजी था रिगार्डिंग केमिस्ट्री के, मैं अपने अपने जो स्ट्रेटजी वगैरह होती थी मैं उसे सिंपल रखता था। मैं जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है मैं टोटली एनसीईआरटी से ही पढ़ता था, और ऑर्गेनिक के बेसिकली जो भी नेम रिएक्शंस होती है काफ़ी वो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस में आते ही आते हैं। तो मैं इसे ट्राई करता था कि मैं एक पर्टिकुलर स्टिकी नोट्स होती है उस पर मैं जो भी नेम रिएक्शंस होती थी, लाइक जो भी आजकल लाइक योर एल्डिहाइड कंडेंसेशन, लाइक योर क्रॉस कैनिजारो, सिमिलरली अमाइन्स से बहुत सारी रिएक्शंस है, लाइक योर होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इन अमाइन्स एंड योर कार्बलमाइन टेस्ट इन अमाइन्स, ये सब जो काफ़ी पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स ऐसे थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही आते थे। सो मैं ट्राई करता था इन रिएक्शंस को मैं एक पर्टिकुलर नोट्स के फॉर्म में एक बड़े सीट ऑफ पेपर पर मैंने लिख लेता था और अपने सामने जो स्टडी टेबल होती थी उसके सामने मैं इसे पेस्ट कर दिया करता था। सो ये ऐसे करने से काफ़ी हेल्प मिलती है, एज बिकॉज आप जब भी अपने स्टडी टेबल पर बैठते हो तो एक बार आप उसे गो थ्रू करते हो तो आपको ये जो नेम रिएक्शंस रहती है आपके फॉरहेड में या फिर आपके सो कॉल्ड सबकॉन्शियस ब्रेन में वो जाके फिट हो जाती है। तो आपको नेम रिएक्शंस में उतना इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उतना आपको ध्यान नहीं देना पड़ता है, एज बिकॉज वो ऑलरेडी आपके ब्रेन में फिट हो जाता है। और जहाँ तक बची इनऑर्गेनिक, दैट इज़ योर पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और आपकी एस पी डी एफ जो भी ब्लॉक्स थी, ब्लॉक केमिस्ट्री मैं ट्राई करता था कि मैं बेसिकली जो एक्सेप्शन होती है लाइक फोकस उन्हीं पे मैं करता था जो एक्सेप्शन होती थी। देखो ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शन हर जगह मिलेगी, लाइक योर मेल्टिंग पॉइंट माइक्रो डेंसिटी, लाइक योर आपकी जो भी मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी होती थी उसकी ग्रेडियंट वगैरह होती थी, और ये आपका बेसिकली कहना यही सेंस है ना नटसेल कि आप ब्लॉक केमिस्ट्री को आप कुछ इस तरह तैयार करो कि आप बेसिकली आप एक्सेप्शंस पर ज़्यादा फोकस करें, रादर आप जस्ट उसे एनसीईआरटी को पढ़ें ना, रादर आप एक्सेप्शंस पर ध्यान दें और ट्राई करें कि इस ब्लॉक केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी से ही पढ़ें, एज बिकॉज मेनली जो ब्लॉक केमिस्ट्री क्वेश्चन आती है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आती है और या डायरेक्ट क्वेश्चन आती है। मैं आपको प्रिसाइसली बताऊँ तो क्वेश्चन ब्लॉक केमिस्ट्री के या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। और ट्राई ये करना यार कि आपकी जो अगर आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों के आप जो इंडेक्स क्वेश्चन और जो एग्जाम्पल्स क्वेश्चन है उसे एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, क्योंकि होता ये है कि हम लोगों की टेंडेंसी होती है कि हम इंडेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं करते हैं, रादर हम लोग ये प्रीफर करते हैं कि हम जो एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं लाइक योर 100 अराउंड के आसपास क्वेश्चन दिए रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस हम लोग को जो एनसीईआरटी प्रिपेयर होती है वो जेई और एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए भी प्रिपेयर मद्देनजर रख के ही प्रिपेयर किया जाता है। तो हम नीट वालों स्टूडेंट को हमें ट्राई करना चाहिए कि हम जो है इंडेक्स और एग्जाम्पल क्वेश्चन स्पेशली गो थ्रू कर लें। और सेकंड बात ये कि आप अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम पर करके एक बुक आती है नियर अबाउट, उसमें 22-25 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर्स की होती है, अगर आप उसे अभी तक परचेज नहीं किए और अगर आप अब तक उसे सॉल्व नहीं किए हैं तो एक बार आप मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप उसे एक बार देख जरूर लें, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं स्पेशली और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, क्योंकि आपको यहाँ से कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि हाँ कुछ ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि आप ट्रेंड देख ही रहे हैं पिछले 2 साल से जो नीट में क्वेश्चंस आ रही है स्पेशली केमिस्ट्री में वो इतना टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, पूरा मॉडरेट पेपर आ रहा है। और यार एटलीस्ट अगर आप 10-15 सेट अगर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट पेपर अगर आप सॉल्व किए हैं तो आपको केमिस्ट्री के पेपर में एटलीस्ट दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अगर आप मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व किए हैं, आप पीजीएस पेपर्स को एनालाइज किए हैं और अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हैं इन एक्सेल तो आपको कोई भी दिक्कत आने से रहा, ठीक है। ये तो रही आपकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की जो भी मेरी स्ट्रेटजी होती हुआ करती थी। सो मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि यार अभी ये एक हाई टाइम है कि आपको एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो भी है आप उसे एनसीईआरटी से पढ़िए, उसके एग्जांपल्स को थोड़ा करिए और उसके इंडेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालिए, अलॉन्ग विद दैट फोकस ऑन द एक्सेप्शंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ट्राई टू मग अप एज मच एज यू कैन फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज योर नेम रिएक्शंस एंड सम प्रिसाइज ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस फ्रॉम एनसीईआरटी विच इज देयर इन योर इंडेक्स क्वेश्चंस एंड योर एग्जाम्पल क्वेश्चंस।
एंड इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में होता क्या ना कि आपको ऐसा नहीं होता कि आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से आती है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको उसके फॉर्मूलाज पता है, आपके उसके टर्म्स जो उससे जो फॉर्मूलाज है उससे अगर जो टर्म्स उससे एसोसिएटेड है अगर आपके उससे अगर आप गो थ्रू किए हो तो आपको जस्ट फॉर्मूलाज और कुछ उससे रिलेटेड दो तीन टाइप के क्वेश्चंस अगर आप उससे कर लेते हैं तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में उतनी दिक्कत आने से नहीं। देखो दिक्कत बंदों को फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट और एक वो केमिकल काइनेटिक्स में होती है थोड़ी बहुत, लेकिन आजकल जैसे ट्रेंड चल रही है मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ज़्यादा करके हाफ लाइफ टाइम से और उधर सॉलिड स्टेट में आजकल ये कुछ जेड वैल्यू से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2 साल से। तो आप ट्राई कर रहे हैं कि हाँ इस स्पेशली इस पोर्शन से आपका जो कमांड हो वो थोड़ा अच्छा हो, ठीक है। या यही सब मेरी स्ट्रैटेजी थी और इसी की बदौलत मेरी अच्छी मार्क्स आती थी केमिस्ट्री में। मैं ज़्यादा ऐसा कोई लोग बोलते हैं कि हाँ ये करो वो करो फलाना करो ढकाना करो, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ आप जो है ये जो 1 महीने बचे आपके पास, नियर अबाउट 1 महीने बचे, आप ट्राई करिए कि एज मच मॉक टेस्ट पेपर्स को आप सॉल्व करिए, और हर एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के बाद आप एटलीस्ट उस मॉक टेस्ट पेपर को एटलीस्ट आधा घंटा तो दीजिए, ताकि आप उस पेपर्स को एनालाइज करिए कि आपका जो वीक एरियाज है कौन सा है, आप उस पे वीक एरियाज को देखिए, सॉर्ट आउट करिए और उस पे थोड़ा काम कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम्स में और एग्जाम पीरियड में आपको दिक्कत ना हो। और ट्राई करो यार कि आप एटलीस्ट पिछले 21 दिन या जो भी बचे 25-26 दिन है, आप डेली 3 घंटे का स्लॉट बनाओ जिसपे आप एक मॉक टेस्ट पेपर पकड़िए, 2 से 5 के बीच में आप उसे सॉल्व करिए, आप उसको एनालाइज करिए एंड या बैठने की एटलीस्ट ट्राई करिए, क्योंकि ये होता क्या है ना कि नीट का पेपर 2 से 5 के बीच में होता है और हम बंदों को उतना मतलब हैबिट नहीं होता है, तो हम पेपर में बैठने के बाद हमें नींद आने लगती है। तो ट्राई करो कि आपके साथ ऐसा ना हो, आप ट्राई करो कि 1 महीने आप पूरा फुल पेपर्स को दो सॉल्व, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो और अच्छे से पेपर करो। या दैट्स इट, होप आप इस पर काम करेंगे और यू विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड बाय सिक्योरिंग गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री, दैट इज़ 180 out of 180। या दैट्स इट, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बटन, ताकि मैं जैसे भी फर्दर वीडियोज़ बनाऊँ और रिगार्डिंग नीट और जो भी